दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्पाइस जेट एयरलाइंस की तरह इंडिगो एयरलाइंस भी दिव्य पैक इंडिगो सेल के नाम से 877 रुपये का ऑफर लेके आई है। दोस्तों मैं इसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा और लास्ट में आपको कस्टमर केयर से हुई बातचीत भी सुनाऊंगा ताकि ऑफर में कितनी सच्चाई है उसका भी पता चल सके। इसलिए वीडियो स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक प्यार भरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड कलर का बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और दोस्तों ये कर लेना चाहिए क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी लेके आपके पास आते रहते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, इंडिगो की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें ऊपर ही आ रहा है पूरा इंटरफेस जो दिखाई दे रहा है आपको, द बिग फैट इंडिगो सेल के नाम से डोमेस्टिक प्राइस स्टार्टिंग 877 ये दिया हुआ है। चेंज कैंसिलेशन फी आप 500, मतलब पूरा आप इसमें देख रहे हैं। तो मैं इसके विषय में पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस स्पाइस जेट एयरलाइंस से सस्ती ऑफर लेके आई है। स्पाइस जेट के बुक बेफिकर सेल 899 के जवाब में इंडिगो ने द बिग फैट इंडिगो सेल 877 का ऑफर लेके आई है। दोस्तों इस ऑफर के तहत बुकिंग 13 जनवरी से 17 जनवरी तक बुकिंग कर सकते हैं। इस ऑफर में खरीदे गए टिकट से आप 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2021 के बीच की अवधि में ट्रेवल कर पाएंगे। हालांकि एयरलाइंस ने यह मेंशन नहीं किया कि इस ऑफर के तहत कितनी सीटें उपलब्ध होंगी। एयरलाइन ने कहा है कि लिमिटेड इन्वेंट्री ऑफर के तहत उपलब्ध है और इसलिए छूट दी जाएगी। इस ऑफर में इन्वेंट्री की उपलब्धता और इंडिगो एयरलाइंस के विवेक पर आधारित होगा। यह ऑफर कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में घरेलू यात्रा के लिए वन वे और राउंड ट्रिप नॉन स्टॉप यात्रा पर लागू होगा। ये ऑफर ग्रुप बुकिंग के लिए नहीं है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के कार्ड का उपयोग करने पर ऑफर अवधि के दौरान टिकट बुक करने वाले ग्राहकों को 12% कैशबैक अधिकतम 5,000 रुपये का ऑफर एक्स्ट्रा मिल देगा। इसी तरह HSBC क्रेडिट कार्ड के द्वारा बुकिंग करने पर 5% कैशबैक या अधिकतम 750 रुपये का लाभ मिलेगा। इस ऑफर का लाभ न्यूनतम 3,000 रुपये की बुकिंग करने पर मिलेगा। इसके अलावा टिकट कैंसिल करने या डेट चेंज करने में प्रति व्यक्ति 500 रुपये चार्ज लगेगा। दोस्तों अब हम चेक करके देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसके बाद मैं आपको कस्टमर केयर से बात करके भी लास्ट में दिखाऊंगा कि इस ऑफर की असली हकीकत क्या है। दोस्तों अब आते हैं, जैसे हम नीचे जाएंगे वेबसाइट में तो देखिए इस ऑफर के तहत कितने में शो हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, दिल्ली से इंदौर के लिए 1,293 रुपये, दिल्ली से वाराणसी के लिए 1,578 रुपये, मतलब ये उस ऑफर के तहत शो हो रहा है। 877 नाम दिया है लेकिन इसमें डिजिट कुछ अलग ही आ रहा है। दिल्ली से बागडोगरा के लिए 1928, दिल्ली से अहमदाबाद के लिए 1930, दिल्ली से पटना के लिए 2077, दिल्ली से गोरखपुर के लिए 2278, और दिल्ली से पुणे के लिए 2278, दिल्ली से रांची के लिए 2328, दिल्ली से देहरादून के लिए 2378, दिल्ली से गुवाहाटी के लिए 2478, दिल्ली से कोलकाता के लिए 2480, दिल्ली से मुंबई के लिए 2577, दिल्ली से सूरत के लिए 2780, दिल्ली से बेंगलुरु के लिए 3030, दिल्ली से शिरडी के लिए 3378, दिल्ली से गोवा के लिए 3827, मतलब इस तरह आप जितना भी देखेंगे इनमें ऑफर दे रहा है इस रूट में दोस्तों। लेकिन 877 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के विषय में हमने कस्टमर केयर से बात की है, उसकी आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। आप स्किप ना करें, तभी आपको इस एयरलाइंस की सच्चाई का पता चल पाएगा। तो दोस्तों चलते हैं कस्टमर केयर से बात करने आगे। दोस्तों आगे कस्टमर केयर से बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे इसके विषय में। तो दोस्तों अब बात करते हैं कस्टमर केयर से। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए सर। सर ये 877 का जो ऑफर है आपका निकला हुआ है, सॉरी कहाँ का ऑफर? 877 में फ्लाइट बुकिंग, डोमेस्टिक फ्लाइट का। ओके। हाँ तो सर बुक नहीं हो रहा किसी भी रूट में। सर ऑफर कहाँ पर लिखा है ये बताइए मुझे। आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप वहीं पे दिखाई देता है सर, ये तो पेपर वगैरह में भी आ रहा है न्यूज़पेपर में। और वेबसाइट ओपन करिए, ऐप ओपन करिए तो उसमें भी फ्रंट पे दिखाई दे रहा है सर। सर
जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्टिंग एट 877, वो ऑफर बोल रहे हैं आप? जी, वो HSBC इन्वेस्टमेंट बैंक का ऑफर, राइट? बैंक का ऑफर है लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, वो बैंक के लिए तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है अलग से 5%। हाँ सर, ये न्यू ईयर ट्रैवल प्लान है जी, चेक करके बता दो। हाँ, जी आपका बुक नहीं हो रहा है? जी, 877 ये डिजिट आ ही नहीं रहा सर किसी भी रूट में। सर वो स्टार्टिंग फ्रॉम है, वो उसके आगे एक स्टार भी है, देखिए स्टार, ठीक है जी, 877 से ही ज्यादा का ही होगा वो, ऐसा है। तो कितना सर ज्यादा होगा? 200, 250, 300? अब एकदम थोड़ी हो जाएगा, 2 गुना से ज्यादा हो जाएगा। आपको कितना अमाउंट बता रहे हैं? ज्यादा आ रहा है ना, 2 गुना से ज्यादा आ रहा है सर। 2-3 सौ का अंतर होना चाहिए कि कोई टैक्स वगैरह लग गया सर? डिस्टेंस के ऊपर वो मैटर करेगा कि कितना डिस्टेंस है उससे वो एप्लीकेबल हो रहा है जी। आप वो ऑफर पे क्लिक कीजिए, ऑफर ओपन कीजिए, फिर उसके बाद में नीचे आपको फ्लाइट डिटेल प्रोवाइड करनी है। हाँ, तो वहाँ पे तो बहुत हाई मतलब रेट आ रहा है, वहाँ पे 2000-3000 ऐसे करके आ रहा है। अवेलेबल है? हाँ, तो देखिए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको चेक करके बताता हूँ। जी, तो आप लाइन पे बने रहिए। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए मुझे। अनूप कुमार। ओके मिस्टर कुमार, मैं चेक करके बताता हूँ, लाइन पे रहिए। जी जी सर, जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, कंपैरेटिवली जो दूसरे शहर है उससे थोड़ा अमाउंट कम ही होगा सर। 877 वो बेस शहर है सर, इंक्लूसिव ऑफ जो टैक्सेस वगैरह वो तो एप्लीकेबल होंगे, उसके बाद अमाउंट जरूर इंक्रीज हो जाएगा। ओके जी, लेकिन होता है क्योंकि ये बेस्ट शहर है, उसके बाद में जो एप्लीकेबल चार्जेस, जो सर चार्जेस प्लस और टैक्सेस मिलकर के जो अमाउंट होगी वो आपकी फाइनल अमाउंट होती है बुकिंग। सर वो तो होता है लेकिन 877 के बाद फिर 2-3 गुना अमाउंट आ रहा है, थोड़ा आसपास होना चाहिए ना दीजिए। सर जो फेयर्स अवेलेबल है डिस्टेंस पे डिसाइड होते हैं कंपैरेटिवली ये ऑफर के, अदरवाइज आप चेक करेंगे तो वो तो और ज्यादा फेयर दिखाएगा जी, उससे तो ये सेल फेयर कम ही होगा। ठीक है मिस्टर कुमार, जी कंपेयर कर सकते हैं विदाउट फेयर में और नॉर्मल फेयर में भी चेक कीजिए या सेल फेयर में, आपको डिफरेंस डेफिनेटली हाईलाइट होगा। ओके जी, ओके सर, लिखा होता है वो सेल में चल रहा है। ऑलराइट जी, ओके सर, ओके, थैंक यू। दोस्तों कैसे एयरलाइंस वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 877 अगर बेस फेयर है तो 4-5 से एक्स्ट्रा लगता है, इतना ज़्यादा अमाउंट थोड़ी आता टिकट बुकिंग में। तो दोस्तों ये एक तरह का फ्रॉड है और ये लूटने का एक फंडा बना लिया है कंपनियों ने। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लूटने का एक फंडा है कि नहीं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, आपका दिन शुभ।